हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ओट से बना चीला। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और वेट लॉस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ओट्स का चीला हम ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है। तो देख रहे हैं आप हम ओट्स से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं जो टेस्ट भी है और हेल्दी भी है। तो बनाएंगे आज हम इसको। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। ओट्स का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ओट्स लिए हैं और वो हम एक बाउल में इस तरह से डाल लेंगे। और अब मैं इसमें आधा कप ही यहाँ पे मैंने पानी लिया है और वो हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम डालेंगे और इसको हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से लगातार इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया था जो कि हमारा सिर्फ इसमें ये देखिए आधा कप ही हमारा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा ओट्स जो है वो कैसा है। तो ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा जो ओट्स है वो अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको चमचे से इस तरह से इसको प्रेस करते हुए एकदम पतला कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसको पी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप बेसन और वो हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे हम इसमें। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो हरी मिर्च आप इसमें स्किप कर सकते हैं। तो मुझको ये हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च डाला है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 3 से 4 बड़े चम्मच दही। दही डालने से हमारा जो ये चीला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें हम बेकिंग पाउडर, इनो, बेकिंग सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बस अब हम इसको अच्छे से इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रोज़न मटर लिया है। अगर आपके पास नॉर्मल मटर है तो आप इसको गर्म पानी में थोड़ा देर बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है, एक मैंने गाजर को बारीक काट लिया है और एक ही मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है और उसको भी बारीक काट लिया है। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी इसमें वेजिटेबल मिक्स करनी है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना ये कलरफुल लग रहा है उतना ही ये टेस्टी लग रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जो हमारा ये बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा टाइट हो। तो बस अब मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है चीला बनाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से, बस इसमें हम थोड़ा सा ये टाइट लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए आप बैटर देख रहे हैं, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। तो जितनी ज़रूरत है बस उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो बस इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो अब हम गैस ऑन करके तवा गरम करेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो आप उस पर बना लीजिए, अदरवाइज़ आप आयरन के तवे पे भी आराम से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे हम और जो हमने बैटर रेडी करा है वो हम इसमें डाल लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे। एक बार तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पर रखिए। आप चाहें तो इसको ढक के भी बना सकते हैं। और ये देखिए नीचे से अच्छे से सिक चुका है और इसने बिल्कुल इसको छोड़ भी दिया है तवे को। अब इसको हम पलट लेंगे। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारा चीला तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी और हेल्दी। तो ये तीनों ही चीज़ें एक ही चीले में हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये चीला तैयार हुआ है। तो ये दूसरी तरफ से भी कितना बढ़िया अच्छे से सिक चुका है, कितना अच्छे इसमें कलर आया है। तो इसको हम
प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी भी चीले बना लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप इसको ढक के ही बनाएं, बिना ढके भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं आपको अब बिना ढके बना के दिखाती हूँ। तवा अच्छे से हम गरम करेंगे और उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करके बैटर को इस तरह से हम डालेंगे और बस इसको हम हल्के हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। जब आपका तवा एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको हम लो फ्लेम पे कर लेंगे जब हम बैटर डालते हैं, और जब हम इसमें बैटर डालते हैं तो हम उसको मीडियम फ्लेम पे कर लेते हैं। तो जब ये नीचे का हमारा अच्छे से सिक जाए तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो अच्छे से सिक जाएँ। तो ये देखिए बिना ढके भी हमारा जो चीला है वो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो इसी तरह से हम बाकी भी एक एक करके अपने जो चीले हैं बना लेंगे। तो देखते हैं आप कितने बढ़िया हमारे एक एक चीले बनके तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, और अगर आप इस प्रोसीजर से बनाएंगे तो हमारे जो चीले हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारे चीले बनके तैयार होंगे। आप चाहें इसको दही के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म चीले हमारे तैयार हैं खाने के लिए। एक बार आप इसको इस तरीके से ज़रूर बताइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये चीले कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।